एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की चार चार पीढ़ियां जिसने देश पर राज किया वो आज दूसरों के कंधों पर सवार होकर देश हित से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है एक किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं जिन सामानों की उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है इसलिए इन्हें परेशानी है साथियों ये लोग न किसान के साथ है नौजवान के साथ और न ही देश के वीर जवान के साथ है बरसों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को देश की वायु सेना को सशक्त करने के लिए कुछ नहीं किया वायु सेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए लेकिन ये लोग वायु सेना की बात कभी नहीं सुनी उसको नजरअंदाज करते रहे जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफाइल लड़ाकू विमान का समझौता कर लिया तो इनको फिर दिक्कत होने लगी भारतीय वायुसेना के पास रफाइल विमान आए भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़े ये इसका भी विरोध करते रहे पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे फिर भूमि पूजन का विरोध करने लग गए हर बदलती हुई तारीख के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले लोग देश के लिए समाज के लिए अप्रासंगिक होते जा रहे हैं इसकी छटपटाहट है बेचैनी है हताशा है निराशा है